हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ ममता कुमारी एंड यू आर वाचिंग AM मोदी केयर। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ना कि बाल झड़ने की समस्या को कैसे ख़त्म करें। ठीक है, बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं जिनका ये प्रॉब्लम होता है कि उनका बाल झड़ता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपका ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। ठीक है, हेयर फॉल प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूँगी फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि इम्पॉर्टेंट जो भी वीडियो हो ना आप तक पहुँचती रहे। ठीक है, तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, हेयर फॉल की प्रॉब्लम एक आम समस्या है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो है ना मोदी केयर के पास है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे मोदी केयर में एक प्रोडक्ट है जिसे ना जादू का प्रोडक्ट माना जाता है। हमारे मोदी केयर जितने भी मोदी केयर के एजेंट हैं जो भी हैं उनके लिए जादू का प्रोडक्ट है क्योंकि वो इतना अच्छा काम करता है ना फ्रेंड्स, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। देखिए, हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है ना इसका नाम है टी ट्री ऑयल। अब ये लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये टी ट्री ऑयल क्या है। ठीक है, टी ट्री ऑयल जो होता है ना फ्रेंड्स, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चाय की पत्ती होगी या ऐसा कुछ होगा, बट बिल्कुल ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार के टहनियों के द्वारा, टहनियों की पत्तियों का वाष्पीकरण करके एक तेल बनाया जाता है। ठीक है, और वो ही तेल जो होता है ना बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट होता है हमारे देश में। ठीक है, तो ये टी ट्री ऑयल जो होता है ना आपके हेयर फॉल के प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो ये जो होता है ना फ्रेंड्स, ये एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है और एंटी इन्फ्लामेटरी भी होता है फ्रेंड्स। इसके इसमें इतने सारे गुण हैं ना, इस पर अगर मैं वीडियो बनाने लगूँ तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना इसमें इसके सारे बेनिफिट को मैं बताऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हेयर फॉल की प्रॉब्लम को कैसे रिमूव करना है वो मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, आपको अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है या बहुत कम भी है, ठीक है, तो इसके लिए आपको एक टी ट्री ऑयल ख़रीदना होगा। मोदी केयर में ही ये आपको मिलेगा। ठीक है, 15 ml का ये होता है टी ट्री ऑयल और ये आप मोदी केयर से जाके आपको लेना होगा। और इसके लिए आप जो शैम्पू यूज़ करते हैं या मोदी केयर का जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप में ही लीजिएगा फ्रेंड्स, ज़्यादा नहीं लेना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसको एक्सटर्नली ही यूज़ करना है, इंटरनली नहीं यूज़ करना है। ठीक है, 2-3 ड्रॉप आप टी ट्री ऑयल का लेंगे और अपने शैम्पू में मिक्स करेंगे और जैसे आप रेगुलर शैम्पू लगाते हैं वैसे लगाएंगे और इसे धो लेंगे। ठीक है, ये आप जो अगर कंटिन्यू यूज़ करते हैं ना फ्रेंड्स तो विद इन 10 days आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इससे आपके हेयर जो है ना एकदम लंबे, काले, घने और मुलायम हो जाएंगे फ्रेंड्स, और आपकी जो हेयर फॉल की समस्या है ना ये जड़ से ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जल्द से जल्द आप टी ट्री ऑयल ख़रीदें और अपने पास रखें और इसका इस्तेमाल आप शैम्पू में 2 से 3 ड्रॉप ही करिएगा, उससे ज़्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसे जो आपका जो हेयर ऑयल होता है ना उसमें भी डाल के आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे आप हेयर ऑयल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।